हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। औरत कौन है भाई, क्या घसीट के लेके जा रही है इसे? सुनो, रुको वहीं पे, सुनो। मोहिनी, मुझे छोड़ो, मुझे जा। व्हाट, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? कौन कौन कौन? हेलो, अब वो घर पे भी? आप लोग ऐसा चुप कैसे रह सकता है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? खून हुआ इस घर में, मोहिनी भी अभी बाहर गई। मोहिनी, इमारत को जाके उठाइए ना, प्लीज गो। चुप करो तुम, कोई किसी को नहीं उठाएगा। मैं, तुम ये खून साफ करो। तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जाके मोहिनी को लेकर आओ। हाँ। खून साफ करो मतलब? What is the meaning of that? आप लोग ऐसे नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हो? किसको मारा यहाँ पे? आप सबको सब कुछ पता है राइट? मोहिनी कहीं नहीं दिख रही, कहाँ गई होगी यार? You know what? I think you should call the cops. कोई कॉप नहीं आएगा इस घर में, समझी तुम? मेहमान हो ना, मेहमान बन के रहो। जो कुछ देखा तुमने भूल जाओ उसे, पर ना सुनाया तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। चलो जाओ अपने रूम में। मोहिनी कहीं नहीं दिख रही। क्या? मोहिनी कहीं नहीं दिख रही? अब इस घर के सारे राज बाहर आ जाएंगे। Help me! वो जंगल, जंगली कुत्ते और खून, बहुत सारा खून है। एक मिनट, कौन है आप? क्या हुआ है? शांत हो जाओ, बैठो बैठो। पानी पियो। आप बताइए क्या हुआ है आपके साथ? सुनसान सी जगह पर मोहरी का सीट रहे थे और जंगली थे, जंगल में बहुत सारा खून। कहाँ देखा आपने खून? मुझे मार डालेंगे। आप वहां जंगल में कैसे पहुंचे? किसी ने पकड़ रखा था आपको वहां पे?
औरत है, खून करती है। घुंघरू पहनती, हाल ही में कुछ मर्डर्स हुए हैं जो किसी औरत ने किए थे। मेरे चाचू औरत बन के सबका खून करते। क्या? वो मेरे ईमान चाचू है। सब गुस्सा करूंगी मैं। हिमान चाचू, हाँ वही है जो रातों को निकलकर लोगों का खून करते हैं। कौन चाचू? चाचू नहीं, मैं रसीली मम्मी। सबको बता दूंगी, आप ही वो हैं जो सबका खून करते हैं। सबको बता देगी? हाँ, सबको बता देगी। बच गई, रुक। वो औरत एक आदमी है, आपके चाचा ईमान। मतलब एक आदमी औरत बन के घूम रहा है, उसी ने तुमको मारा? मेरे ईमान चाचू वो खतरनाक औरत बन के सबका खून करते हैं। कल भी यही हुआ, चाचू किसी को पूरी में डाल कर ले जा रहे थे। बड़ी अजीब बात है ये, एक आदमी औरत के कपड़े पहनकर लोगों को मार दिया। कल रात भी किसी को मारकर उसकी लाश बोरे में लेके चला गया है। इनके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ दिए। कहानी थोड़ी अजीब लग रही है। सर ये कहानी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हम तुम्हारी बात। अब बताओ कहाँ है तुम्हारा बंगलो और तुम्हारे ईमान चाचा? सर यही वो जगह है जहाँ से बोरी घसीटते हुए वो बाहर लेकर गए थे, और यहाँ पे खून के निशान भी थे। पर और सर हाँ, मैं शनाया से टकराई थी तब भी खून के निशान थे, जिसको देखते हुए मैं बाहर तक गई थी। तुम्हारे कहने के मुताबिक यहाँ जो खून था वो पूरा साफ किया गया, सारे सबूत मिटाए गए ताकि हिमान चाचा को बचाया जाए, है? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। अरे कौन है आप लोग? मोहिनी तुम कहाँ चली गई थी? मोहिनी पता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा, और ये सब कैसे हो गया? और ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी? और मोहिनी ने हमें बताया कि उसकी हालत यहां रहने वाले ईमान चाचा ने किया। सुना है ईमान अपना भेष बदलकर लड़कियों की तरह बनके लोगों का खून करता है। तो बताओ क्या ये औरत तुम्हारे ईमान चाचा ही है? मोहिनी ने उसे अपनी आंखों से घर से एक बोरी में लाश ले जाते हुए देखा है, और इस पर खुद हमला हुआ है। कहाँ है ईमान? छुपा के रखा है उसे? घर में से किसी को मारा है ना उसने? देखिए सर। सर ये बात बिल्कुल सच है सर। सर इन लोगों को सब कुछ पता है। सर आप प्लीज इन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। आप कौन है? माय नेम इज शनाया, मैं मोहिनी की दूर की कजिन हूँ, इंडिया घूमने के लिए आई हूँ। तुमने अभी अभी बताया ना कि इन लोगों को सब कुछ पता है। क्या पता है इनको? कल रात में यहाँ किसी का खून हुआ, जब मैंने कुछ बोलने की कोशिश की सर, तो उन्होंने यहाँ से खून साफ करके इन्होंने मुझे चुपचाप बैठने को बोला। इन लोगों ने मोहिनी को भी ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की सर। आपके सामने इन लोगों ने खून साफ किया? जी सर, और मुझे वापस भेजने की कोई बात कर रहे थे ये लोग। बहुत ही खूनी खानदान है सर, एक खून करता है और दूसरा साफ कर देता है। सबूत क्यों मिटाया तुम लोगों ने? मालूम है ना ये भी एक गुनाह है। किसने साफ किया खून, किसने किया? सर वो हम तीनों ने मिलकर खून साफ किया। वाह,
आप नहीं जानते हिमान चाचा को। किसकी मौत आई थी जो ऐसे ही छोड़ देते? क्या वो सच में औरतों के कपड़े पहन के घूमता है? सच मान भैया औरतों के नहीं, अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं। और जो भी उनके रास्ते में आता है उन्हें वो मार डालते हैं। क्या वजह क्या? सर हिमांग के दिमाग में एक बात अटक गई है, वो अपनी माँ रसीली के कपड़े पहनते हैं और लोगों को वैसे ही मारते हैं जैसे उनके पिता ने उनकी माँ को मारा था। हिमान भैया तब एक छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपनी आंखों से हमारी माँ का खून होते हुए देखा, तब से ये सदमा उनके दिमाग में बैठ गया। अब बताइए कौन आएगा हिमान चाचा के रास्ते में? और वो सर वो ठीक नहीं है, हम कैसे उन्हें जेल में डाल दें? और कल से तो वापस भी नहीं आए। तुम्हारा ये हिमान चाचा किसी की लाश को घसीटते हुए यहां से लेकर गया, उसने घर में से किसी को मारा और तुम लोग सारे के सारे मुंह बंद करके बैठे हो। वो किसी को भी कभी भी मार सकता है, आप लोगों को डर नहीं लगता? ऐसा नहीं है, हिमान ने आज तक किसी भी घर के सदस्य के ऊपर हमला नहीं किया। तो फिर कल रात किसको मारा? किसको मारा कल रात? सलीना जरा ऊपर आना। आई मैम। सर सलीना यहाँ के हाउसकीपर, कल रात से मैंने उसको नहीं देखा। तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? Because I was very scared. मैं इन लोगों से डर गई थी। कहाँ है सलीना? पता नहीं सर। पता नहीं का क्या मतलब है? जब ये सब हुआ तो आप लोग क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे आप लोग? मैं नींद की दवाई खा के सो रही थी। दवाई खा के? जिसका पति हिमांग जैसा हो वो दवाई खा के ही सोएगी ना। सर मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। और सर मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला, वो तो मैं शनाया की चीख सुनकर उठा। कमाल है सर, घर में खून हो रहा था और सबके सब सो रहे थे। ठीक है, इस घर की तलाशी लेंगे हम। तो ये है आपका कमरा? जी सर। सर दूध का ग्लास है, नीम की गोलियां खोलकर पीती और सो जाती। दीपक होने दवाई आपको? सर महीन। महीन वैसे ईमान को आखिरी बार कब देखा था आपने? सर कल रात 11 बजे जब वो रसीली बनके मुझे डरा रहा था। क्या डरा रहा था? सर मैं आपको क्या बताऊं, सर हिमांग ने मुझे डरा कर इस घर में रखा है। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी को सच्चाई बताऊंगी तो मुझे जान से मार डालेगा। बकवास है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वैसे आग कब खुली आपकी? जब शनाया चिल्लाई थी। बड़ी हल्की किस्म की नींद की गोली लेती है आप, शनाया के चिल्लाने से नींद खुल गई। सर ये देखिए, सर ये कपड़े विग्स ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोहिनी ने कहा था कि उसके हिमान अंकल पहनते हैं। यस सर, ये वही चाचू वाले कपड़े रसीली वाले। श्रेया सर देखो तो बाथरूम में और कोई ड्रेस है क्या? सर सेलिना के कमरे में तो बहुत कुछ हुआ है। हालत देख के लग रहा है कि सर खूनी के साथ हाथापाई हुई है। अच्छी उसकी। कमाल है, इतना सब कुछ हुआ यहाँ पे और घर वालों ने कुछ सुना ही नहीं। देखिएगा सर, सलीना को मार दिया, बोरे में डाला, घसीटते हुए बाहर ले गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। सबके सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हिमान को बचाने के चक्कर में ये सब लगे हुए हैं, भगा दिया उसे। और कोई हाउसकीपर को क्यों मारेगा सर? घर में 5-5 लोग और हैं, तो सिर्फ सिलेना को क्यों मार? सब कुछ छोड़ दिया, घर में काम करने वाली को मार दिया, कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है सर। चक्कर तो है पंकज,
जिसने घर के किसी सदस्य को खूनी होने के बावजूद कभी हाथ नहीं लगाया, उसने घर में काम करने वाली नौकरानी का खून किया और उसे मार के यहां से ले गया, और ये मर्डर वेपन यहीं छोड़ गया। सर वो लाश को छुपाने के चक्कर में भूल गया होगा। सर बाथरूम में कोई कपड़े नहीं है। वैसे ईमान के पास उसकी माँ के, मेरा मतलब है रसीली जी के, कितने ड्रेसेस थे? सर दस। दस? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। ये चक्कर कुछ और ही लगता है मुझे। मोहिनी कौन सा ड्रेस पहना था हिमान ने जब वो लाश को बोरी में से घसीट के लेके जा रहा था? हरे रंग का ड्रेस था। यहाँ दस के दस ड्रेसेस हैं, दस के दस हैंगर्स हैं, लेकिन ना कोई हरे रंग का ड्रेस और ना कोई खाली हैंगर। तो फिर ये नया ड्रेस, ये ग्रीन कलर का ड्रेस आया कहां से? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। श्रेया गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये हरे रंग का ड्रेस, नया ड्रेस आया कैसे और कहां से है? यहां पे उसने सलीना का खून किया, इसीलिए इतना सारा खून यहां पे। क्या गिरा? सर कुछ हल्की सी आवाज थी। पूरा पंकज निकालो। ये माली तो, ये तो मैंने कहीं देखी है। मोनी जी ये देखिए हमारे हाथ क्या लगा है। ये तो कान की बाली है। आपकी है ना? जी, पर वो मोनी तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें होश आया था किसी अनजान किसी सुनसान जगह पर, तो फिर तुम्हारी कान की बाली सेलिना के कमरे में कैसे पहुंची? क्या सेलिना ने तुम्हारे कान में से खींच कर निकाली थी क्या? नहीं सर, मुझे सच में नहीं पता ये बाली वहां पहुंची कैसे। सर सबसे आसान हथियार है, मुझे नहीं पता। नहीं मैम, मैं सच कह रही हूँ। अरे हाँ सच से याद आया, अभिजीत जरा वो स्विस नाइफ दिखाओ ना। किसका है ये स्विस नाइफ? इसमें तो खून लगा हुआ है। और ये हमें सेलिना के कमरे से मिला है, इसे खूनी ने या यूं कहिए कि हिमान ने इस्तेमाल किया है। ये तो युग का है। हाँ मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था। सर इसकी रसीद भी है मेरे पास, मैं अभी अभी लाता हूँ। मतलब तुमने भी मदद की थी हिमान की? और नहीं तो क्या, ये सब के सब खूनी को बचाने में लगे हुए। तो क्या हुआ अगर ये स्विस नहीं मेरा है तो? मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे नहीं पता कि ये स्विस नाइफ सलीना के कमरे में कैसे पहुंचा। और हाँ मुझे ये भी नहीं पता कि हिमान अंकल ने इसका इस्तेमाल किया है या नहीं। देखो यू, अगर ये साबित हुआ कि ये मर्डर वेपन है तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले होते, समझे? बहन ऐसी कौन सी दवाई खिलाती हो तुम अपनी भाभी को? सर वो हिमान भैया के कहने पर दी थी मैंने। ओ, एक डरावने खूनी के साथ रहते हो तुम लोग, जो रात को औरतों के कपड़े पहन के सड़क पे घूमता है, लोगों का खून करता है और घर में आके सो जाता है, और एक दिन उसका मूड बदलता है वो घर में काम करने वाली नौकरानी को मारता है और खुद गायब हो जाता है। और गायब हो जाता है कोई ग्रीन ड्रेस पहनकर। मोहिनी सारा सीन देखती है और फिर बेहोश हो जाती है। कहानी पे कहानी सुना तू यार, सब लोग कोई सच नहीं बोल रहा है। मोहिनी चलो हमारे साथ फोरेंसिक लैब। पर सर मैं ही तो आप लोगों के पास आई थी,
और आप लोग मुझे पकड़ कर लेकर जा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जिंदा सबूत सिर्फ तुम ही हो हमारे पास। सर, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? As you see, मैं यहाँ पर अपने आप को सेफ फील नहीं करती। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मोहिनी क्यों लेकर आई थी सीआईडी को? क्या करेंगे अब हम? क्या होगा अब हमारा? होगा क्या? पहले हम हिमांश चाचा की दहशत में जीते थे और अब सीआईडी कब किसे पकड़ ले जाए उस डर में जिएंगे। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज तक हम हिमान भैया की मदद करते आ रहे हैं, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस खून में उनकी मदद किसने की। भाभी, अपनी जान बचाने के चक्कर में आपने हिमान भैया की मदद की, क्योंकि अकेले वो सेलिना की लाश ले जा नहीं सकते, इसीलिए सीआईडी हम पर शक कर रही है। बिना सोचे समझे तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। भले मैं क्यों मदद करूंगी उसकी? मुझे तो आज भी याद है हिमान का वो खिलौना रूप, जब मुझे पहली बार पता चला था कि वो है क्या। क्यों घूर क्यों रही हो? दो दिन हुए नहीं है शादी को और अभी से पति को घूरने लगी, क्यों भाई? हिमान, बात को घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। क्या हो गया था तुम्हें उस शोरूम में? तुम पिंक ड्रेस देखकर औरतों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे थे? इस शर्म से गड़ी जा रही थी और तुम्हारी आवाज को क्या हो गया था? और तुमने पहलीशर को चाटा मार दिया। हिमान, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? हिमान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ हिमान? गाड़ी क्यों रोक दी? दुपट्टा वही है ना जो सगाई के बाद पहली बार शॉपिंग के लिए गए थे तब मैंने तुम्हें दिलाया था। अच्छा, लेकिन जिस तरह से पहना है वो अच्छा नहीं। मैं बताऊं कैसे पहनते हैं इसे? इसे ना ऐसे लेते हैं, इसे ऐसे लेते हैं। हिमान, क्या कर रहे हो तुम? हिमान छोड़ो, हिमान मैं मर जाऊंगी। दोबारा मत पूछना मैंने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। पता है क्यों? क्योंकि रसीली ने ले ली जान, जानी कर साल से उस आदमी के डर के साई में जी रही हूं मैं, और तुम कह रहे हो कि मैं मदद करूंगी उसकी। तुम युग से क्यों नहीं पूछते? अपना बिजनेस शुरू करने के लिए हिमान के पैरों में गिरा रहता था और वो छुरी भी तो इसी की है। हो सकता है कि कुछ पैसे कमाने के लिए इसने हिमान की मदद की हो। बस सानिया चाची, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएगी। अरे जैसा सानिया चाची कह रही है वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? आपको क्या लगता है हिमान चाचा इतनी मार खाने के बाद भी मैं उनकी मदद करूंगा? उनका भतीजा होने के बाद भी, उनके बेटे जैसा होने के बाद भी उन्होंने जो मेरी बेइज्जती की है ना, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? भैया, भैया युग को माफ कर दीजिए, बच्चा है। बच्चा है तो क्या, कुछ भी मांगेगा, पैसे मांगेगा हाथ फैलाकर, और क्या सोचा मैं दे दूंगा? दोबारा पैसे मत मांगना मुझसे, समझा? चल जा। चाचू, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो मैं छोटा सा बिजनेस डाल पाऊंगा, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बस थोड़े से। चले जाओ चुपचाप यहाँ से। Thank you.
चाहिए तुझे? रसीली से पैसे मांगेगा? चाहिए? रसीली तुझे पैसे देगी। नहीं, पैसे, पैसे, ले, ले, ले। चाचू मुझे नहीं चाहिए पैसे चाचू। अगर मेरे बस में होता ना तो हिमान चाचा कब के जेल में होते? और आप महीन चाचा? महीन चाचा क्या? जायदाद पाने के चक्कर में आप दिन रात हिमान चाचा के आगे पीछे घूमते रहते थे, उनके हर एक गुनाह पे पर्दा डालने वाले आप। शट अप! हिमान भैया की मदद करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ की पाई पाई उनके नाम पर है और हम उनके टुकड़ों पर बल है। वरना मैं कभी उन्हें बचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे आप तो आज भी सीआईडी को कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। अगर मुझे पता होता कि ईमान भैया कहाँ है तो मैं तुरंत जाकर सीआईडी को बता देता। इस घर में जो मेरे साथ हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी पत्नी प्रिया के साथ क्या हुआ था? प्रिया, तुम्हें ऊपर खड़ा रहने को थोड़ी ना कहा था। आओ रसीली मम्मी के पास आओ। अरे छोटे छोटे कदम नहीं, बड़ी हो ना तुम, बड़े कदम लो। आओ जल्दी 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 आओ। प्लीज इमान भैया, मैं गिर जाऊंगी। हाँ, गिर जाओगी। प्लीज मुझे नीचे उतारिए। नीचे उतारू? लो लो मेरा हाथ लो, उस तरफ उतारो। नहीं, तो आ। ये क्या कर रही हो तुम? उतरो नीचे। नहीं भाई, नहीं। भैया, भैया मेरी पत्नी है, वो उसे उतारिए। गिर जाएगी वो। तुम्हारी पत्नी ने रसीली मम्मी को परेशान किया है। रसीली मम्मी के गहने और कपड़े छूने के गुस्ताखे किए हैं। तो सजा तुम्हें मिलेगी। आओ। भैया। आओ। भैया आप हिमान हो? हिमान रसीली नहीं, वो हमारी माँ थी। समझ क्यों नहीं रहे आप? वो कपड़े और गहने आपके नहीं है, आप इससे बाहर निकलिए। मैं रसीली मम्मी हूँ, अब से चलोगी नहीं, नाचोगी तुम, नाचो। ये जो दर्द उन्होंने मुझे दिया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। अगर मेरा बस चलता तो उस दिन हिमान भैया गिरते, प्रिया नहीं। मैं भैया को कभी नहीं बचाता, पर कल रात क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अरे खून तो हिमान भैया ने किया ना, लेकिन सीआईडी की नजरें हम पर क्यों गड़ी हुई है? मोनी के कपड़ों से कुछ पता चला डॉक्टर तारिका? हाँ पता तो चला है, लेकिन अंजीत बताने के लिए मेरे पास भी कुछ है, थोड़ा वक्त दो अभी बताता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, टेक योर टाइम। आप क्या बता रही थी? मोहिनी के कपड़ों पे से मुझे
तेल की कुछ बूंदें मिली हैं। ऐसा तेल जो कार में इस्तेमाल किया जाता है, लुब्रिकेंट। लेकिन सर, जंगल में लुब्रिकेंट कहां से लगाओगा? मोहिनी के कपड़ों पे। और दूसरी बात ये कि उन कपड़ों पे से दो लोगों के खून के निशान मिले हैं। कपड़ों पे दो लोगों के खून के निशान और लुब्रिकेंट, तो मोहिनी थी कहां? थी कहां ये तो आप लोग पता करो, लेकिन एक बात पक्की है, मोहिनी के कपड़ों पर मोहिनी के खून के अलावा एक आदमी का खून भी है। वही खून इस चाकू पर भी है। इस पे सेलिना का खून नहीं है? सेलिना की बात छोड़ो, किसी भी औरत का खून नहीं है। फिर किसका है? जंगली कुत्तों का? अरे सर, मोहिनी ने कहा था ना, जंगली कुत्ते थे। इस चाकू पर 40 से 45 साल की उम्र के आदमी का खून है। आ दिखाता हूं। ये देखो, ये मोहिनी का डीएनए है, और यहां देखो, ये है उस आदमी का डीएनए। ये कैसे हो सकता है? उस घर से तो सेलिना गायब है, तो ये आदमी का खून कहां से आया? ये मोहिनी के कपड़ों में ऑयल के दाग मिले, तो कहीं हिमान उसी कार में तो लेके नहीं गया था जिसमें वो लाश लेके गया था? और लाश अगर सेलिना की थी, तो फिर ये 40-45 साल के आदमी की लाश कहां से आ गई? मोहिनी को लेकर आओ। हो सकता है कार में कोई और भी लाश हो, किसी आदमी की लाश, या फिर वहां पे लाश हो जहां पे उसने लाश को ठिकाने लगाया। अगर ऐसा है तो हमें वहां पहुंचना होगा जहां हिमान सेलिना को ले गया। जी सर। मोहिनी, तुमने हमसे सब कुछ सच सच बताया ना, कुछ छुपाया तो नहीं? सर, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मैं आप लोगों से क्यों कुछ छुपाऊंगी? अच्छा एक बात बताओ, बंगलों के बाहर जब किसी ने तुम्हारे सिर पे वार करके तुम्हें बेहोश किया, फिर तुम्हारी आंख कहाँ पे खुली? सर, यही वो जगह थी, वहां से मैं निकल कर आई थी और यहाँ कर मैंने लिफ्ट मांगी थी। अंदर चल के देखते हैं, अगर तुम सच कह रही हो तो कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। पर सर, मैं कह नहीं सकती कि वहाँ पे सबूत बाकी होंगे या नहीं। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहती नहीं हो कि हम वहाँ जाएं। सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ, तुम यही थी। चलो देखते हैं। मोहिनी, तुम और सेलिना की लाश लगभग एक साथ गायब हुए थे, तो सवाल ये उठता है, कोई तुम्हें इतनी दूर जंगल में लाएगा क्यों? किसी कारण से लाया होगा ना, शायद लाश के साथ साथ तुम्हें भी टिकाने लगाने। और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया। कितनी दूर भागी थी तुम जंगल से सड़क तक पहुंचने के लिए? सर, जहां तक मुझे याद है 20-25 कदम बस, और उसके बाद रोड आ गई थी। 20-25 कदम, याददाश्त तो बड़ी अजीब है, कुछ याद है कुछ याद नहीं है, ये कुछ नहीं वाला याद है या याद वाला याद है? सीआईडी से सच बोलोगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अभिजीत, सूखे पत्ते डाले गए हैं, लगता है गड्ढे को छुपाने की कोशिश की गई है। तो लाश है। अरे मैडम, इसे हमने अभी तक खोला भी नहीं है। देखते हैं। ओह नो, लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। ये सेलिना की लाश तो नहीं हो सकती, तो किसी आदमी की लाश है। पर सर, ऐसे कैसे हो सकता है? उन तो सेलिना का हुआ है ना। तो फिर आदमी की लाश कैसे आ गई अंदर? मुझे कुछ नहीं पता। सेलिना के साथ तो सिर्फ एक ही आदमी था, हिमान। तो फिर सेलिना कहाँ गई, उसका क्या हुआ? एक काम करते हैं, इन चारों सस्पेक्ट पर नजर रखते हैं।
रेडी श्रेया, इन चारों के फोन रिकॉर्ड लोकेशन सब खंगाल डालो। केस घर के अंदर का ही है और राज भी वहीं से खुलेगा। हाँ दे, अभी गाड़ी निकली है XQ05LM8967, 2 मिनट में तुम्हें सामने मिलेगी। ठीक है। यस सर, चलो। फिर से आ गए हमसे सवाल करने। आप लोग हमें फंसाना चाहते हो क्या? सर, आप लोगों को तो मैं ही बुला कर लाई थी ना, फिर भी। खूनी घर के बाहर है, लाश घर के बाहर है, आप लोग बार बार वापस यहाँ चले आते? क्योंकि तुम लोग घर के अंदर हो, जिंदा हो, इसलिए, समझे? पर तुम्हारी किसी भी बात पर हमें भरोसा नहीं है। सर ठीक है, आप लोगों को हम पे भरोसा नहीं है, पर आप हिमान चाचा को क्यों नहीं पकड़ते? बिल्कुल, खून करके तो वो भागे, हम तो यहाँ डर के मारे छुप रहे हैं। वही तो बात है, अभी अभी कुछ ऐसा हो गया कि ये केस सिर के बल उलट गया है। क्या मतलब है सर? मान भैया तो खून करके ही भागे है ना? हाँ हाँ, भागे तो है, पर कैसे? खुद को मार कर, खुद का सिर काट कर, खुद को बोरी में बंद करके भागे हैं। क्या, वो जो बोरे में लाश थी वो हिमान की थी? तो वो औरत कौन थी? याद है मैंने कहा था, हिमान के अगर सारे कपड़े हैंगर पर हैं, तो फिर वो क्या पहन कर गया था जब वो सेलिना की लाश को लेकर गया? हमें तभी लग गया था कि ये भ्रम और सच्चाई के बीच का खेल है जो किसी ने खेला है। मोहिनी और शनाया को छलावा दिया गया था, सेलिना तो कभी मरी नहीं थी, और हिमान लाश बनकर इस घर से बाहर गया था बोरी में। किसने किया ये? युग ने, जिसके चाकू से हिमान का गला काटा गया, या सानिया जी आपने, जो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी, या मोनी तुमने, जिसे मारने का मन हिमान पहले से ही बना चुका था? और हाँ, महन जी भी तो हो सकते हैं, जिसने अपनी भाभी को न जाने कौन सी दवाई पिला के सुला दिया, जिसे मरते पति की चीखें भी नहीं सुनाई दी। सर, युग ने किया होगा ये। मैंने, उसे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे जो चाचू ने मना कर दिए थे। नहीं, सानिया भाभी होंगी, क्या पता नींद की दवाई दूध में मिलाकर भैया को पिला दियो और फिर उन्हें नींद में ही मार दिया। तुम चुप करो, मैं क्यों होंगी? वो ही नहीं होगी, वैसे भी इसको मारने की कोशिश तो की थी ना। चाची, मैंने मारा? महेश चाचा भी तो हो सकता है ना, हिमान चाचा ने इनकी बीवी को छत से धक्का दे दिया था। चुप रहो सब लोग, हम जानते हैं कौन लेकर गया था हिमान की लाश को बोरी में। श्रेया, वो सेलिना थी जिसके मर्डर की जांच कर रहे थे हम लोग। सेलिना जिंदा, और न जाने ऐसी कौन सी डोर है जिसने जुर्म करने के बाद भी सेलिना जी को यहां से भागने नहीं दिया। क्यों सेलिना जी, हाँ बताएंगे? I'm sorry, हमने बहुत प्लानिंग की, सब पे डाला, लेकिन फिर भी पकड़े गए। चुप करो। महीन चाचा, सब कुछ खराब कर दिया तुमने। हाँ, मगर ठीक तो हमने कर दिया ना। जब हमें हिमान की लाश मिली तब हम ढूंढने लगे कि ये बोरी में लाश कौन लेकर गया होगा, इसलिए हमने तुम सब के फोन ट्रैक करना शुरू कर दिए। और सेलिना ने अपने मरने के बाद पहला फोन किया तुम्हें। बस हम सेलिना तक पहुंच गए, तुम्हारा भांडा फूट गया। मैं नहीं मारा हिमान भैया को, उनकी इस बीमारी से छुटकारा पाने
और अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए मैंने ये किया? हिमान भैया, हिमान नहीं, हमारी माँ रसीली में फंसे हुए एक दिमागी बीमार खूनी थे। हम सिर्फ सर पर छत और खाने की रोटी के लिए उन्हें सह रहे थे। तो खून कर दोगे तुम? मारना कोई नहीं चाहता है सर। सालों से हम और बाहर के लोग भैया के जुल्म सह रहे थे। कहीं तो रोकना था ना सर, किसी को तो रोकना था ना। युग, मोहिनी, सानिया भाभी ये सब नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने किया सेलिना के साथ मिलकर। अब जल्दी से इसे ठिकाने लगा दो, समझी? जाओ जाओ। ईमान के जुर्म को रोकने के लिए और भी तरीके थे, उनका इलाज करवा सकते थे, तुम लोग हमारे पास आ सकते थे। एक बीमार खूनी को मार के तुम भी तो खूनी बन गए। और सेलिना, तुमने इस घिनौने जुर्म में उसका साथ दिया, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी ही होगी तुम दोनों को। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.